हेलो फ्रेंड राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी 6:45 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 1.25 घंटा पहले ही मैं गुन्नू को लेकर के आई हूँ, 45 मिनट पहले। और आगे बस चाय वाय पी थी, गुन्नू को दूध दिया था। आज पार्क नहीं जा रही थी तो फिर मैंने सोचा कि जो काम पड़े हैं पहले उनको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गुन्नू का सेरेलैक्स मैं भून रही हूँ, क्योंकि सेरेलैक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैंने उसको कई दिन का धुल के रख दिया था, बस भून नहीं पा रही थी तो उसी को भून के रख रही हूँ। गुनगुन के लिए मैं कैसे सेरेलैक्स बनाती हूँ वो तो मैं आपके साथ में एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए, अभी ना गुन्नू भी यहीं पे आसपास में घूम रही है, और ये मेरे बर्तन भी पड़े रह गए थे जो सुबह में और दोपहर में जो साफ़ किए थे ना, तो उनको मैं लगा ही नहीं पाई स्टैंड पे। तो फटाफट से पहले इनको लगाऊंगी और जो एक दो बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं उनको भी फिर साफ़ करके रख दूँगी। अगर मैं गुन्नू को सेंटर छोड़ के आ जाती हूँ तो ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं, वरना फिर मेरे को ना ये आके ही करने रहते हैं। और ये ना गुन्नू की डॉल फट गई थी, इसमें से वो ना फाइबर निकाल निकाल के फेंक रही थी, तो मैं सोचा चलो पहले इसको भी सिल देते हैं और साथ में ही सारे लोग उसको भी चलाते रहेंगे। तो यहीं मैंने इसको काउंटर टॉप पर रख लिया। और मेरी वीडियो में जो शोर आ रहा है ना, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के दोनों साइड में रोड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेचने वाले आते ही रहते हैं। दिन में तो यहाँ पे कभी शांति रहती नहीं है, ओनली रात में ही आपको शांति यहाँ पे मिल सकती है, वो भी रात में कुत्ते चिल्लाते हैं। कुत्ते यहाँ पे इतने सारे हैं कि रात में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। अब तो हमको आदत हो गई, जब शुरू शुरू में आए थे ना तो रात को मेरे को नींद भी नहीं आती थी। तो अभी मैं ना गुन्नू के लिए दाल भी बना दूँगी, क्योंकि सेरेलैक्स ख़त्म है और अभी मैं इसको पीस नहीं पाऊँगी, ये गर्म ही है। तो फिर आज मैं इसके लिए मूँग मसूर की दाल बनाऊँगी, क्योंकि रात में ना इसको ऐसा ही कुछ चाहिए रहता है जो इसको ज़बरदस्ती खिलाया जाए, सेरेलैक्स, दाल, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें। और रोटी सब्जी ये दिन में खा लेती है, दिन में मैं इसको खिला देती हूँ, रात में ये बिल्कुल भी नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। तो फिर मैं इस तरह का ही कुछ बनाती हूँ इसके लिए। खाने की तैयारी भी मैं अभी ही करके रख दूँगी, आटा वाटा जो भी लगाना होगा वो अभी ही मैं लगा के रख दूँगी। और आजकल ना पार्क चले जाओ तो बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता। 5 बजे सेंटर से आते हैं और 6 तो यूँ ही बच जाते हैं, आके दूध वूध पिलाना, इसको जो भी एक दो काम पड़ा रहता है वो सब करना, फिर 6 बज जाते हैं और 6 बजे से तो अंधेरा ही होने लग जाता है। तो फिर आजकल ना मैं पार्क नहीं जा रही, कभी कभार इसका बहुत ज़्यादा मन होता है तो फिर मैं इसको ले जाती हूँ, वरना फिर ना थोड़ा बहुत नीचे गली में घुमा लेती हूँ या फिर ऊपर ही ऐसे ही खेलती रहती है। तो गुन्नू को मैंने ना अभी ड्रेसिंग के लिए बिठा दिया है, मेरे कपड़े पड़े हुए थे फोल्ड करने के लिए तो मैं उनको फोल्ड करके रखूँगी। ये देखो, अभी ना 6:15 हो रहे हैं और अंधेरा होने लग गया, लोगों के घरों में ना लाइट जल गई। पहले ये लाइट ना 7:30 बजे जलती थी, अब तो समथिंग मतलब 1.25 घंटे पहले अंधेरा हो जाता है। गुन्नू की दाल बनने के बाद में फिर मैंने उसमें मटर को बॉईल होने के लिए रख दिया, जो सूखी मटर होती है ना वो वाली, तो ये मैं सुबह के लिए बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह में भी ना बहुत जल्दी रहती है, भागम दौड़ रहती है, तो थोड़ी सी तैयारी रात को मैं करके रख देती हूँ सुबह के लिए, तो सुबह फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को खाना बनाने में। तो देखिए, आज तो मेरे किचन के काम 7 बजे ही फ्री हो गए थे, क्योंकि आज पार्क नहीं गए, मैं 6:45 बजे से किचन में लग गई, तो फिर 7 बजे तक सारे काम फ्री हो गए। तो 7 बजे से फिर मैं गुन्नू को एक्टिविटी कराने लग गई। अभी पहले मैं इसको 1 घंटे एक्टिविटी करा लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो बाकी के काम पड़े हुए हैं उनको करूँगी। येलो येलो निकालो, येलो येलो निकालो बेटा, येलो पिन निकालो, येलो, रेड रेड निकालो, अब रेड 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 निकालो जल्दी, वेरी गुड, ग्रीन 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 ग्रीन, वेरी गुड, ऑरेंज ऑरेंज, वेरी गुड, पर्पल पर्पल पिन को ना व्हाइट में डालना,
वेरी गुड। 1 घंटे गुन्नू को एक्टिविटी कराने के बाद में फिर ना मैं इसको 1 घंटे का ब्रेक देती हूँ, उसमें मैं इसको खाना खिलाती हूँ, ये टीवी देखती रहती है अपने मामा के साथ में, खेलती रहती है, और मेरे को जो भी काम करने रहते हैं, खाना पीना बनाना जो भी रह जाते हैं किचन के काम, वो सब मैं करती हूँ। एक्टिविटी सारी मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी एक आधी कर देती हूँ। गुनू को खाना पीना खिलाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू दिन में ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे और आटा भी सामने ही लगा दिया था। सब्जी वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी बनाने लगती हूँ ना तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाता है, गुनू के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल। तो शाम में तो मैं फिर ऐसा ही कुछ बनाती हूँ जो झटपट से बन जाए। तो ये मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं और मैं खाऊंगी इनको दही के साथ में। इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अभी मैं गुन्नू को दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, चूहे पकड़ने वाला लेके घूम रही है, बार बार टीवी की साइड में कर देती है। टीवी में इसकी पोएम चल रही है, 5 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड। तो मुझे लगता है ये ना मंकी को इसमें पकड़ना चाह रही है।